फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले PFUHS के बारे में, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बारे में, स्टूडेंट्स सेकंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, कितना समय लगेगा एंड क्या आप लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना, सब कुछ हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहला जो डाउट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, वाइटल है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या है कि अपना जो सेकंड काउंसलिंग है वो होगी या नहीं होगी, इसके बारे में क्या श्योरिटी है, होगी या नहीं होगी 100% बता दो। तो सेकंड जो राउंड है वो अपना होने वाला है डैम श्योर। आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन ना लें कि सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा। सेकंड राउंड तो होगा, बिकॉज फर्स्ट राउंड में ही इवन दो जो है 1/3 भी यहां पर जो है वैकेंट सीट्स फिल नहीं की गई, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सीट्स को फिल नहीं किया गया। तो सेकंड राउंड जो है वो होना बिल्कुल कंपलसरी है, वो तो होकर रहेगा। यहाँ पर जो है किस वजह से अपने सेकंड जो काउंसलिंग है वो कराई नहीं जा रही, तो वो है कुछ अपने इंटरनल रीजंस जिसकी वजह से जो है नहीं कराई जा रही है सेकंड काउंसलिंग। बट स्टूडेंट्स, आप लोग जो बिल्कुल भी आशा ना खोए, ये ना सोचें कि अपना नेक्स्ट राउंड नहीं होगा तो हम लोग जो है अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग ना सोचें। नेक्स्ट राउंड होने वाला है, टाइम लग रहा है, बिकॉज कुछ इंटरनल रीजंस हैं जो कि BFUHS यूनिवर्सिटी इंटरनल हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्रेडिकेट उसको नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी एक्टिव नहीं है। आप लोगों को पता है कि रिसेंट में यूनिवर्सिटी ने पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से स्टार्ट किया है, बिकॉज उसमें भी वैकेंट सीट रह गई थी, मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ऐसा ही कुछ डिसीजन जो है BSc नर्सिंग के लिए भी लिया जाएगा, आशा है ऐसी, बिकॉज BSc नर्सिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वैकेंट सीट बच गई थी। मैंने आप लोगों को एक बार एक वीडियो में बताया भी था कि डिमांड थी कि दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, बिकॉज यहां पर जो है लास्ट टाइम पर पैटर्न में कुछ चेंज देखने के लिए मिला था एंड उसके साथ साथ हमें देखने के लिए मिला था जो एंट्रेंस एग्जाम था वो काफ़ी टफ था, ठीक है, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे दोबारा एग्जाम की, उनके अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी टफ था। तो दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डिमांड थी कि दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाए, तो बट उस पर यूनिवर्सिटी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कोई डिसीजन नहीं सुनाया। बट स्टूडेंट्स, ये है कि सेकेंड राउंड के लिए एंट्रेंस एग्जाम आप लोग बिल्कुल भी उस चीज़ को माइंड में ना रखें, बट ये है कि दोबारा से काउंसलिंग होगी एंड उसी पर आई थिंक डिसीजन चल रहा है कि क्या इतनी जो वैकेंट सीट बच गई हैं उनके से रिलेटेड क्या किया जाए। सेकंड राउंड तो होगा ही, अगर यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव यहाँ पर जो चॉइसेस करवाई जाती हैं तो आप लोगों को उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। होप सो मे बी दिस हैपन्स कि जैसे कि पैरामेडिकल के लिए दोबारा से फॉर्म स्टार्ट कर दिए, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऐसा दोबारा नहीं करेगी। सक्सेसफुली यूनिवर्सिटी ने एक बार जब यहाँ पर अपने लाइक एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए एंड एंट्रेंस करा दिया, तो दोबारा यहाँ पर अगर कुछ भी एंट्रेंस में प्रॉब्लम ना होते हुए दोबारा एग्जाम तो नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। मे बी दिस हैपन्स कि यहाँ पर आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी वो कम कर दी जाएगी, तो जो भी रहेगा आप लोगों के हित में ही रहेगा, बिकॉज एडमिशन आप लोगों को कंफर्म मिलने वाला है, सेकंड राउंड भी कंफर्म होने वाला है, तो बिल्कुल भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, मिलेंगे कि नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तो कब तक होगी अगर इसके बारे में बात करें तो अक्टूबर में आप लोगों को नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग 20 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इस तक आप लोगों को वेट करना है। मिलेंगे कि नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।